इस वक्त पाकिस्तान में एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है कि कल स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान बजा था कि नहीं बजा था। उसके अलावा उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हो गया जो एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। क्या हो गया जो 120 रनों का चेज नहीं कर पाए? क्या हो गया जो 48 बॉल्स पे 48 चाहिए थे और 8 विकेट्स इन हैंड और वो टोटल वो चेज नहीं कर पाए? लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक से नहीं हुआ, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। साल के स्टार्टिंग में जब नसीम शाह को कैप्टन बनाया गया था T20 फॉर्मेट में, हालांकि वो 4-1 हारे थे, मगर उस समय एक टीम बिल्डिंग हो रही थी। फिर अचानक से PSL होता है और PSL के बाद कैप्टन बदल दिया जाता है और बाबर आजम आई वुड से शेमलेसली कैप्टेंसी वापस ले लेते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे टीम में रिफ्ट क्रिएट हो सकती है। वो कैप्टेंसी वापस लेते हैं, सिर्फ उनके सामने ये कंडीशन रखी जाती है कि इमाद और आमिर, जो ऐसे लोग जो टीवी पर उन्हें ODI वर्ल्ड कप के समय क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन दोनों को भी उनको लेना होगा क्योंकि PSL में दोनों ने सही परफॉर्मेंस दी थी। वो दोनों टीम में आ गए, अब एक ऐसी टीम बन गई जिसमें बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है जिसे बाबर आजम ने कैप्टेंसी ली, और दो ऐसे लोग हैं जो बाबर को टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अब बाबर को उनको साथ लेके चलना है। ऐसी टीम में यूनिटी कहां से होगी? न्यूजीलैंड की डी टीम के साथ इन्होंने 2-2 सीरीज ड्रॉ की, आयरलैंड गए वहां हारे, इंग्लैंड गए वहां होपलेस थे बिल्कुल, वो वहां हारे। अब सवाल ये उठता है कि ये चीजें तो अचानक से नहीं हुई, इट्स ऑलवेज वाइज टू बी यू नो इट्स ऑलवेज इजियर टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। अभी कहना बहुत आसान है, अरे बाबर ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, लेकिन ये चीजें तो लोग बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में क्या करेगी पाकिस्तान, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि टीम बहुत वीक चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब दिखने के बाद भी उस चीज की सल्यूशन की तरफ कोई काम नहीं किया जाता, कोई भी सीख नहीं है। बाबर की कैप्टेंसी आज भी उतनी ही पुअर है जितनी पिछले साल थी, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया है बाबर आजम में जिसको देख के आप कहें कि हाँ अब उसने कैप्टेंसी धीरे धीरे सीख ली है। सम पीपल आर जस्ट नॉट मेंट टू बी कैप्टन्स एंड बाबर इज इजिली वन ऑफ देम, वो आपको दिखता है। 2022 में जो पाकिस्तान फाइनल में चली गई जस्ट बिकॉज नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उसकी वजह से बाबर को ग्रेट कैप्टन मानने लगे हैं पाकिस्तान के लोग और यही पे प्रॉब्लम है। वो साफ साफ देख रहे थे कि उस वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को हरा दिया था, इंडिया की तो बात छोड़ ही दीजिए, इंडिया भी जिस सिचुएशन से 2022 में जीती थी उस सिचुएशन से कोई भी ढंग का कैप्टन होता तो जीतने नहीं देता। पुअर बॉलिंग चॉइसेस, पुअर फील्ड प्लेसमेंट्स, ये कंटिन्यूसली बाबर के साथ रहा है। कल इंडिया ने 119 बनाए और एक आप कह सकते हो कि कोलैप्स हुआ इंडिया का, लेकिन अगर आप डीपली सोचेंगे तो नसीम शाह पाकिस्तान के बाई फार द बेस्ट बॉलर थे। जब भी वो बॉलिंग करने आते थे वो हर ओवर में एक विकेट ले रहे थे, लेकिन उनको हर ओवर के बाद हटा दिया जाता। शाहीन शाह अफरीदी जो आई वुड से कि चारों फास्ट बॉलर्स में सबसे खराब बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी ने की, उनको 3 ओवर लगातार दिए गए। तो ये सब क्या है, ये डिफेंसिव कैप्टेंसी है, ये मन में सोच के आए थे कि मैं शाहीन को 3 ओवर दूंगा और बाकी बॉलर्स को रोटेट करूंगा। ऑन द फील्ड नसीम शाह ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो याद करके आए थे कि नहीं मुझे शाहीन को ही 3 देनी है, तो वही किया। मतलब कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं है। शादाब खान आप उनको ऑलराउंडर बना रहे हो, हालांकि वो स्टार्टिंग में एक बॉलर थे जो थोड़ी बैटिंग कर लेते थे, अब बैटिंग थोड़ी इंप्रूव हो गई, अब आप उनको प्योरली एज अ बैट्समैन खिला रहे हो। अब इसको दोस्ती यारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई, अब इसको तो दोस्ती यारी ही कहेंगे ना। शादाब खान को आप बॉलिंग नहीं देते तो आप उसे प्योरली एज अ बैट्समैन खिला सकते हो? क्या शादाब खान के इतनी एवरेज और स्ट्राइक रेट है कि प्योरली एज अ बैट्समैन ही क्वालिफाइज? इफ्तिकार अहमद जिसको पाकिस्तान अपना 6 हिटर और इंपैक्ट प्लेयर और फिनिशर कहते हैं, उनके करियर के बारे में मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूं। 66 गेम्स खेल चुके हैं वो, 55 इनिंग्स, अभी तक उनके 1000 रन भी नहीं है, एवरेज है 24 की और स्ट्राइक रेट है 129। जी हाँ, 129, बाबर आजम से भी कम स्ट्राइक रेट है फिनिशर का, इंपैक्ट प्लेयर का। तो ये कौन सा इंपैक्ट प्लेयर है? इफ्तिकार अहमद कब कोई मैच जिता के देते हैं? मैंने तो नहीं देखा। किसी बायलेटरल में 2-3 छक्के मार दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, इज इफ्तिमेनिया, इफ्तिमेनिया इज बैक। कौन सा इफ्तिमेनिया? एक टीम जो आयरलैंड, अफगानिस्तान, USA इन सब टीम से हार रही है, तो दे आर एक्चुअली कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन अ डाउनफॉल। ऑफ कोर्स इसमें मैनेजमेंट के भी गलती है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो वहाब रियाज या मोहम्मद हफीज जैसे सेलेक्टर्स और
जनरल मैनेजर जो एक दो सीरीज के लिए आते हैं, टीम को बर्बाद करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं। आप बताओ कि कौन सी ऐसी टीम है जिसके सारे सेलेक्टर्स भी यूएस आए हुए हैं टीम के साथ, तो ये घूमने ही आए ना। वहाब रियाज ने जब टीम सेलेक्ट कर दी तो उनका क्या काम है इस वक्त यूएस में, लेकिन वो सब आए हैं विद फैमिली पीसीबी के खर्चे में। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है ये मिलजुल के पाकिस्तान की टीम को बड़े आराम से बर्बाद कर रहा है और बाबर आजम इसके लीडर हैं। बाबर आजम ने एक माहौल बना रखा है दैट आई एम द किंग, जो भी मुझे किंग बोलता है उसे टीम में जगह मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंसेस। हसन अली जैसे प्लेयर जो कब की अपनी प्राइम से को पास्ट कर चुके हैं, ना पीएसएल में परफॉर्मेंस है ना डोमेस्टिक की, वो टाइम एंड अगेन सीधे पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज बाबर आजम को किंग बोलते हैं। हमने देखा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में 2023 हसन अली सडनली टीम में आ गए, कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला उन्होंने वर्ल्ड कप में, लेकिन वो पूरा वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद उन्हें फिर ड्रॉप कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा के शान मसूद को कैप्टन बनाया गया। बाबर आजम ने क्या कंट्रीब्यूट किया था ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट मैचेस में, 6 इनिंग्स में 126 रन, 21 की एवरेज, कोई हाफ सेंचुरी तक नहीं। विराट कोहली से आप कंपेयर करते हो, विराट कोहली की कितनी सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया में आप निकाल के देख लो, 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं विराट कोहली की इन ऑस्ट्रेलिया और हाफ सेंचुरीज भी हैं साथ में, और भाई साहब की 6 इनिंग्स में 40 की स्ट्राइक हाईएस्ट स्कोर बना के आए। क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की जो उन्हें कैप्टेंसी और सब कुछ दिया जाता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। कल मैच के मेन विलन थे मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम और इफ्तिकार अहमद। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि बाबर को भी लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी वो, बट ओके, अगर 9-10 बॉलों पे 13 रन बना के बाबर आउट हो गए या इफ्तिकार फकार जमान 8 बॉलों पे 13 रन बना के आउट हो गए तो ठीक है, एक एंड से एक प्लेयर एंड संभाल रहा है, दूसरे एंड से अटैकिंग हो रही है तो इट्स फाइन। लेकिन क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो इस तरीके के पिच पे 70 की स्ट्राइक रेट से रिजवान ने बैटिंग की है 14 ओवर तक, 70 की स्ट्राइक रेट आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह ओपोनेंट का बेस्ट बॉलर है, विकेट टेकर है, आप उसको बैठ के स्वीप लेग साइड में आप स्लॉग करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस ओवर को प्ले आउट कर सकते थे 2 या 3 रन लेके भी, फिर ये शॉट्स आप हार्दिक सिराज अर्शदीप पे अटेम्प्ट कर सकते थे, एक ओवर स्पिनर का भी बाकी था। तो क्या रिजवान इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, शाहीन उनको ब्रैडमैन ऑफ क्रिकेट कहते हैं, तो क्या ब्रैडमैन इतना बेवकूफ था, मुझे तो नहीं लगता। कल के मैच की अगर मैं सिर्फ ब्रेक डाउन करूं इम्पैक्ट पॉइंट्स पे, जो कि ESPN क्रिकेट इन्फो के पैनलिस्ट ने भी निकाला है, आप उनको 100 इम्पैक्ट पॉइंट्स कह लो या आप कह लो परसेंटेज कह लो, तो जसप्रीत बुमराह की 25% कंट्रीब्यूशन इस विक्ट्री में, फॉलोड बाय ऋषभ पंत जिनकी 17% है और ऑलमोस्ट 17% ही है अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल की कंट्रीब्यूशन को आप कम नहीं आंक सकते, उन्होंने 3 मेजर काम किए, 2 विकेट शर्मा और कोहली, ये दोनों आउट हो गए थे पावर प्ले में तो अक्षर को प्रमोट किया गया। ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आई वुड से कि वो थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि 2 अर्ली विकेट्स मिल गए थे कोहली और रोहित शर्मा की, उस टाइम पे अक्षर पटेल ने कुछ डॉट बॉल्स खेले, एटलीस्ट कुछ प्ले आउट किया, बाद में उन्होंने एक्सेलरेट करके अपना स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर कर लिया, शाहीन को एक छक्का भी मारा विकेट कीपर के पीछे और ठीक ठाक मोमेंटम सेट करके आउट हुए। उसके बाद बॉलिंग में उन्होंने आते ही उस्मान खान को डिसमिस किया, जो काइंड ऑफ एक मिनी कोलैप्स ट्रिगर किया उन्होंने, और बाद में एक बहुत ही क्रिटिकल ओवर था जब 4 ओवर में पाकिस्तान को 34 रन चाहिए थे और अगर उस ओवर में अक्षर पटेल 12-15 रन खा जाते तो सारा प्रेशर खत्म हो जाता, मगर अक्षर पटेल ने बहुत होशियारी से उस ओवर में इमाद वसीम को डॉट पे डॉट डाले और सिर्फ 2 रन दिए उस ओवर में। तो अक्षर पटेल ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया और धीरे धीरे व्हाइट बॉल में वो जडेजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल होते जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, बाबर आजम अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि नसीम शाह बुमराह से बहुत बड़ा बॉलर है, साहिन शाह फ्रीदी इज द किंग ईगल, जसप्रीत बुमराह ने साबित कर दिया कि ये सब उनके सामने बच्चे हैं। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन के इजिली द बेस्ट बॉलर हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टैचर ग्लेन मैकग्रा का था 90s में या अर्ली 2000s में, फिलहाल जसप्रीत बुमराह का वही स्टैचर है। कोई भी फॉर्मेट हो, कुछ भी हो, कैसी भी पिच हो, वो एडजस्ट करना जानते हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में इंडियन कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड बैटिंग की कमर तोड़ दी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त आई वुड से अपनी प्राइम फॉर्म में है। उन्होंने जो बॉलिंग की, ओपोनेंट के जो दो बेस्ट बैट्समैन आप कहते हैं बाबर रिजवान, दोनों को डिसमिस किया। इफ्तिकार अहमद, इनके करियर स्टैट्स तो मैं आपको बता चुका हूं, कल के मैच में 9 बॉलों पे उन्होंने 5 रन बनाया, जबकि वो आखिर में आए थे जहां पे आई वुड से 8 रन पर ओवर था जब वो बैटिंग करने आए। 9 बॉलों पे 5 रन, पिच का यूज तो छोड़ दीजिए, उनको 3 फुल टॉस फेंके गए थे, एक फ्री हिट का बॉल भी मिला था उनको, तब 9 बॉल पे 5 रन। तो क्या सिर्फ किंग किंग बोल के आप उनको खिला सकते हैं? इतनी बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि इफ्तिकार अहमद इज अ प्रूवन फेलियर, ना तो उनकी एवरेज है ना तो उनकी स्ट्राइक रेट है। इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान को इन सारे क्रिकेटर्स को टीम से निकालना होगा। हरीश राउफ हर मैच में रन लीक करते हैं, हाँ वो 1 या 2 विकेट लेते हैं, उनकी पेस 150 होती है, लेकिन ही हैज प्रूवन दैट ही इज अ रन मशीन, ही इज नॉट रिलायबल। कल भी उन्होंने काफी रन दिए, 5 से 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज खाई, लास्ट में भी हार्दिक पांड्या ने उन्हें ऑलमोस्ट 2 बाउंड्रीज मार दी थी, दूसरी किसी तरह रुक गई, लेकिन फिर भी वो लूज डिलीवरीज फेंकते रहते हैं, तो ये चीजें सोचनी होगी। प्लस यहां पर मैं एक और पॉइंट रेस करना चाहूंगा, शायद इमाद वसीम 100% फिट नहीं थे, आपने उनकी रनिंग देखी होगी, वो कितनी बार दौड़ नहीं पा रहे थे, भाग नहीं पा रहे थे, वो चल चल के 1 रन ले रहे थे क्रिटिकल स्टेजेस पे, वो डॉट बॉल्स खेल रहे थे क्योंकि उनकी फुट मूवमेंट पूरी नहीं हो पा रही। अगर उन्हें साइड स्ट्रेन की इंजरी थी, अगर उन्हें कुछ इश्यू थे, तो आजम खान को ही कंटिन्यू किया जाना चाहिए था या कुछ और सोचना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन आप कैसे एक हाफ फिट प्लेयर को इंडिया के अगेंस्ट इतने बड़े मैच में उतार सकते हो? बहुत ही बुरा बैटिंग परफॉर्मेंस था इमाद वसीम का, और अगर उनको इस तरीके की इंजरी थी तो इफ्तिकार अहमद को क्यों नहीं ऊपर भेजा गया? ये कैप्टन किस तरीके के दिमाग से चलते हैं? पिछले मैच में आमिर को सुपर ओवर दिया गया, इस मैच में इमाद वसीम को ऊपर भेजा गया जबकि वो इंजर्ड हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं, उनकी फुट मूवमेंट नहीं है, उनसे भागा नहीं जा रहा। तो बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एकाएक नहीं हुआ है, ये चला आ रहा है बहुत ज्यादा टाइम से, और ये अगर किसी को नहीं दिख रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई उम्मीद कर रहा है कुदरत का निजाम हो जाएगा, अचानक से हम सब कुछ जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट्स हाई टाइम कि अब पाकिस्तान में ढंग के यंगस्टर्स को लाया जाए, उन्हें ग्रूम किया जाए, एक अच्छा कैप्टन बनाया जाए जो इस टीम को लेके हर फॉर्मेट में चल सके, और अब ये जो कैप्टन के चमचे हैं, चेले चपाटे, इनको हटा के ढंग की टीम बनानी चाहिए। बाबर आजम को सिर्फ एज ए प्लेयर खेलना चाहिए, और मेरे ख्याल से ओपनिंग उनके पास की नहीं है, उन्हें नंबर 3 पे खेलना चाहिए, और देखना चाहिए टीम की सिचुएशन के हिसाब से कि वो 3 पे खेलेंगे या फ्लोट करके नीचे ऊपर हो सकते हैं, मगर फिलहाल वो किंग तो कहीं से भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के नीचे जाने में बाबर आजम का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, और रिजवान कल उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, इट हैज टू बी गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल इनिंग्स। उनका एक आसान सा कैच छूटा, उसके बाद भी उन्होंने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, और बुमराह को उस तरीके का शॉट अटेम्प्ट करना ही सबसे बड़ी भूल थी, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे और 7 विकेट थे, और रिजवान का काम था कि वो बुमराह का वो ओवर खेल करके हार्दिक और उसको हार्दिक को अटैक कर सकते थे, मगर एनीवेज अब तो जो हो गया सो हो गया। हार्दिक, सिराज, स्पिनर का एक ओवर बाकी था, ये सब बेसिक कैलकुलेशन इतने बड़े बैट्समैन को मालूम होने चाहिए। अब पाकिस्तान डिपेंड करेगी यूएसए के रिजल्ट्स के ऊपर, कनाडा के रिजल्ट्स के ऊपर, लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान आयरलैंड और कनाडा दोनों को हरा पाएगा, वो भी एक अच्छे रन रेट के मार्जिन से। बाकी चीजें तो तभी क्वेश्चन में आएंगी जब पाकिस्तान अपने बचे 2 मैच जीत जाए। आयरलैंड पाकिस्तान को बहुत टफ कॉम्पिटिशन देने वाला है, और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान यहाँ से नीचे जाती है या कुछ ऊपर आने की कोशिश करती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।